जब भी हमारे घर के पड़ोस में कॉलोनी में कोई पुलिसकर्मी रहता है तो हम निर्भय हो जाते हैं और हमें किसी प्रकार का कोई डर नहीं रहता। लेकिन वही पड़ोसी रक्षक जब हमारी भावनाओं का, विश्वास का, बहन बेटियों की अस्मिता का भक्षक बन जाए तो फिर क्या होगा। जी हाँ, ऐसा ही एक मामला सामने आया है जहां युवती को प्यार में फंसाकर दुष्कर्म करने वाले आरक्षक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उन्हेल की युवती सार्थक नगर में किराए का मकान लेकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रही थी। उसी के पास में किराए से रहने वाले आरक्षक ने युवती से दोस्ती की और प्यार में फंसाकर दुष्कर्म किया। चिमनगंज पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरक्षक को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि उन्हेल में रहने वाली युवती नौकरी के लिए और कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रही थी। इस कारण वह दो तालाब के पास स्थित सार्थक नगर में किराए का मकान लेकर रह रही थी। यहीं पर लाइन में पदस्थ आरक्षक अजय पिता तुलसीराम से परिचय हुआ। आरक्षक ने उसे प्यार में फंसाया और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। दोनों का प्रेम प्रसंग 3 वर्षों तक चला। कुछ दिनों पहले युवती ने अजय से शादी की बात कही लेकिन उसने शादी से इनकार कर दिया। इस पर युवती ने एसपी को अजय के खिलाफ आवेदन दिया। एसपी ने जांच चिमनगंज पुलिस को सौंपी। पुलिस ने युवती के बयान लिए और आरक्षक के खिलाफ धारा 376 के तहत प्रकरण दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। अजय 4 वर्ष पहले आरक्षक बना था। पुलिस ने बताया कि अजय मूल रूप से शाजापुर जिले का रहने वाला है। 4 वर्ष पहले आरक्षक बनकर पुलिस की नौकरी में आया था। वर्तमान में पुलिस लाइन में पदस्थ था। ये शिकायत आई थी इस पर एक महिला के द्वारा हमारे आरक्षक के खिलाफ जो उसका दुराचरण की शिकायत की गई थी उस पर हमने तत्काल प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इन्वेस्टिगेशन लगभग कंप्लीट है और आरक्षक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है।